मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स का वाटर का पार्ट टू रिवीजन, ठीक है ना। साइंस का लेसन वाटर, उसका पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं रिवीजन में। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, कहते हैं बादल कैसे बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग बैक इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कल ही हमने पढ़ा, पहले क्या होता है, जो पानी है पानी के ऊपर क्या होती है, कुछ सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पानी गर्म हो जाता है, तो वेपर्स बन जाता है, वेपर्स बन के वो ऊपर आसमान में चला जाता है। वहाँ पे क्या होता है, ठंडा होता है, तो वो जो ठंडा होता है कंडेंसेशन, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कहते हैं कंडेंसेशन बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। कंडेंसेशन के बाद क्या होता है, बरसता है फिर से पानी बन के, यानी इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, ठीक है ना। तो ब्रिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कंडेंसेशन एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जैसे हम ज़मीन का कुछ हिस्सा छोड़ते हैं, ऊपर ऊपर जाते हैं, इट गेट्स कूलर, तो ऊपर ऊपर ज़्यादा ठंडा ठंडा होता जाता है। व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर, जैसे जैसे हवा ऊपर ऊपर जाती है तो ठंडी ठंडी होती है। एट द सफिशेंट हाइट्स, जब कुछ हाइट पर पहुँच जाते हैं, दे आर बिकम सो कूल, ऊपर जाके हवा इतनी ठंडी हो जाती है, दैट वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन इट कंडेंस, जो पानी उसके अंदर, जो हवा के अंदर जो कुछ वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो, यानी ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। टू फॉर्म ए टाइनी ड्रॉप्स ऑफ, तो छोटे छोटे ड्रॉप्स बन, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं पानी के। इन दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दे रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर, तो ये जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं ये हवा में फ्लोट करते रहते हैं। एंड देन अपेयर लाइक अस, अपेयर टू अस लाइक, हमें लगता है जैसे बादल है। तो यही पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो फिर फ्लोट करते हैं हवा में, जो हमें लगता है कि ये बादल हैं, बादल बन के ऊपर लगते हैं। तो इस तरह से बादल बन जाते हैं और क्लाउड्स फॉर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज ए ड्रॉट ऑकर, कहते हैं कहत कब पड़ता है। इट डज, इट इज़ इफ़ इट डज नॉट, सोल्यूशन, इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर टू और मोर ईयर्स, कहते हैं दो और या दो साल से ज़्यादा अगर कहीं भी बारिश ना पड़े, वाटर इज़ लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल, क्या होता है, तो पानी ज़मीन के अंदर से सारा पानी निकल जाता है ड्यू टू इवापोरेशन ट्रांस, किस कैसे निकलता है, ड्यू टू इवापोरेशन, इवापोरेशन होती रहती है और ट्रांसपरेशन से ज़मीन के अंदर, ट्रांसपरेशन पता है ना, जो पत्ते, जो पानी पत्तों से बाहर आता है, वाटर लॉस इन लीव्स, दैट इज़ अ ट्रांसपरेशन। तो ऐसे ऐसे करते करते जब दो साल से पड़ी नहीं तो सारा पानी लॉस होता जाता है थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपरेशन। दिस ड्राइज द सॉइल एंड वाटर इन द पॉन्ड्स एंड लेक, इससे क्या होता है, सूखा पड़ने शुरू हो जाता है, मिट्टी सूख जाती है, सॉइल हमारी जिसके अंदर पानी वो ख़त्म हो जाता है, वाटर जो पानी जो पॉन्ड्स के अंदर या लेक झीलों के अंदर जो पॉन्ड्स के अंदर होता है वो भी सारा ड्राई अप हो जाता है, वो भी सारा सूखा हो जाता है, लीडिंग टू द ड्रॉट कंडीशन, तो इससे सूखा पड़ने का पूरा चांस होता है। अच्छा, राइट द सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, आप बताओ हमारे ज़मीन के ऊपर कहाँ कहाँ से पानी हमें मिलता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे घरों तक पानी या हम तक पानी पहुँचता है। सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर, एक तो समुंदर है वन द मेन सोर्स ऑफ वाटर, पर समुंदर का पानी हम पीते नहीं, वो तो खारा होता है। अच्छा, ओशंस, रिवर्स, स्प्रिंग्स, ट्यूब वेल्स, दीज आर द सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। इन विच फॉर्म वाटर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, कहते हैं किस फॉर्म में पानी ज़मीन के ऊपर है। वाटर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इन थ्री फॉर्म्स, थ्री फिजिकल, तीन तरीके से पानी ज़मीन के ऊपर होता है। एक होता है आइस, बर्फ़ की शक्ल में, दूसरा होता है पानी की शक्ल में, तीसरा होता है वाटर वेपर्स की। तो ये तीन फिजिकल फॉर्म है वाटर के, क्या, एक तो आइस, एक तो वाटर, अनदर इज़ वाटर वेपर। व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, अभी भी हम बात कर रहे थे कि पानी ट्रांसपायरेशन और इवापोरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है अगर बारिश ना पड़े। अब होता क्या, व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, जब पानी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ पानी वाटर वेपर्स की शक्ल में थ्रू स्ट्रोमेटा। आपको पता है जो लीव्स हैं उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके ऊपर, जिनको बोलते हैं स्ट्रोमेटा, तो उन्हीं के लीव्स के थ्रू, क्योंकि जो जब प्लांट है वो पानी कहाँ से लेता है, ज़मीन से लेता है, तो कौन सक करता है, रूट सक करती हैं, तो फिर स्टेम जो होता है वो कंडक्ट करता है, वो ऊपर ले जाता है पानी थ्रू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। तो जो पानी प्लांट ने यूज़ करना होता है वो तो वो कर लेता है, लेकिन जो बचा हुआ पानी होता है वो कुछ, वो देखो पत्तों से स्ट्रोमेटा के थ्रू वो बाहर आ जाता है, यानी दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ठीक है ना। तो वो जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, दैट उनको क्या बोलते हैं, पत्तों के ऊपर जो हमें वो दिखते नहीं आँखों से,
बट हमें खुले आंखों से देखते नहीं, बट वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्टोमेटा, दे आर द पोर्स ऑन द लीव्स। तो इसी पोर्स के थ्रू ट्रांसपरेशन होती है, जो बाकी पानी बच जाता है, लॉस हो जाता है, फिर वो बाहर निकल आता है। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? क्लाउड्स आर फॉर्म बाई कंडेंसेशन ऑफ वाटर एट हाई। इसको हम इस शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखेंगे, क्लाउड्स कैसे बनते हैं। क्लाउड्स कैसे बनते हैं? कंडेंसेशन, जब पानी जब ऊपर वाटर वेपर्स ठंडे हो जाते हैं, वाटर वेपर्स इन ऑन हाई अल्टीट्यूड, क्योंकि मैंने बोला जैसे जैसे ऊपर आते जा ऊपर जाते हैं हम लोग, हमारी हवा जो है वो ठंडी ठंडी होती जाती है, ठीक है ना। व्हाट इज़ मेंट बाय कंजर्वेशन ऑफ वाटर? इसका क्या मतलब हुआ? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, केयरफुल इकोनॉमिकल एंड वाइज यूज़ ऑफ वाटर, बड़ी तरीके से, बड़ी जुडिशली, यानी सब तक पानी पहुँचे। ये नहीं है कि मतलब यू शुड सेव वाटर, ये नहीं है कि मैंने सुबह नलका आया तो खुला रख दिया सारा दिन तो पानी मेरा क्या हो रहा है, मैंने तो यूज़ कर लिया अपना, लेकिन बाकी जो वेस्ट हो रहा है, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड सेव वाटर। तो उतना यूज़ करो जितना हमें ज़रूरत है, उससे ज़रूरत से ऊपर मत यूज़ करो। एंड वाइज यूज़ ऑफ वाटर, और तरीके से यूज़ करो। एंड अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। ये जो हम पानी बचा के रखते हैं, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यानी हमने यूज़ तो कर रहा है पानी, बट केयरफुली, ये दिमाग में सोच के कि पानी सब तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, उसको हम बंद नहीं कर सकते, इस सब की ज़रूरत है। तो हमारी ज़िंदगी है इस अर्थ पे पॉसिबल बिकॉज ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? वाटर का सेकंड पार्ट रिविजन, कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ड्रॉट कैसे ऑकर होता है, ठीक है ना, और बाकी ट्रांसपरेशन, क्लाउड्स कैसे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसको आप रिवाइज करो और इसको लर्न करो, ओके। हाँ, खत्म खत्म ना होने का।